जंग में जितना मदद इसराइल ने इंडिया का किया इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेट अप एम्युनिशन, कि सबसे ज्यादा हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पे जो लैंड हो रहे थे ड्यूरिंग कारगिल वॉर वेयर फ्रॉम इसराइल, तो इसराइल हैज प्रूव्ड टू इंडिया के इट कैन बी ए गुड फ्रेंड इन क्राइसिस। ये बहुत अहम चीज है। दोस्ती तो अच्छे दिनों में सब साथ होते हैं, लेकिन क्राइसिस में जो मुल्क आपका साथ देता है, दैट इज अ ट्रू फ्रेंड एंड इसराइल हैज प्रूवन टू बी अ ट्रू फ्रेंड ऑफ इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान के कमर चिमा और पाकिस्तान के ही एक इतिहासकार, इन्होंने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके भारत और इसराइल की जो दोस्ती है उसके बारे में विश्लेषण किया, कैसे कारगिल के युद्ध में एक सच्चे दोस्त की तरह इसराइल ने भारत का साथ दिया था और साथ में कहीं ना कहीं हर टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करता रहता है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। साथ में अमेरिका की आने वाली चुनावों में क्या रणनीति रहेगी, कैसे अमेरिका और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिन्होंने दोबारा गद्दी संभाली है, वो कैसे अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री तक को लताड़ देते थे, और कैसे रशिया के साथ भारत के संबंध, और कैसे भारत की सफल डिप्लोमेसी की वजह से आज भारत का हर देश मुरीद होता जा रहा है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने हैं आपके साथ। एक तो इंडिया इजराइल रिलेशंस, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू जिन्हें कहते हैं, ही इज बैक इन पावर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का और नेतन्याहू साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग थी। तो कहा जा रहा है कि जो कश्मीर के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो पर्सपेक्टिव और जो एक ऑफ आयरन फिस्ट जो कश्मीर के ऊपर इंडियन सरकार ने इस्तेमाल किया, दैट वाज बेसिकली इजरायली प्लान फॉर जो है फॉर द कश्मीर। तो एक तो डॉक्टर साहब पहले इस पर बात करनी है, फिर डॉक्टर जयशंकर के हवाले से जो रशिया उन्होंने विजिट किया उस पर भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी रिटर्न ऑफ नेतन्याहू, हाउ मच इज गोइंग टू प्रमोट और हेल्प इंडिया एंड इजराइल के हवाले से, ये रिलेशंस किस तरह इम्प्रूव होते देख रहे हैं आप? देखिए कि जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं इसराइल को लेकर, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इंटरनेशनल ट्रेंड्स ये हैं कि देर इज मोर एंड मोर एक्सेप्टेंस ऑफ इसराइल इन द अरब वर्ल्ड, मिडल ईस्ट, इब्राहिमिक एकॉर्ड्स ना सिर्फ मजबूत होते जा रहे हैं बल्कि एक्सपैंड होते जा रहे हैं। लेबनान इज ऑल्सो ज्वाइनिंग इट, और एक्सपेक्टेशंस है कि बाइडन जाने से पहले कोशिश करेंगे कि और मुल्कों को भी उसमें शामिल करें, विच मीन्स द इशारा इज टू सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने फॉर्मली तो अभी साइन अप नहीं किया है, लेकिन इनफॉर्मल इतना ज़्यादा हो गया है कि प्रोबेबली सबसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात मुझे लगता है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव सऊदी अरेबिया और इसराइल के हैं। टर्की ने भी शुरू कर दिया था इस इलेक्शन से पहले अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए इसराइल के साथ। सो देर सीम्स टू बी एन एक्नॉलेजमेंट इन द मिडल ईस्ट कि भाई ये फलस्तीन का मसला हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और इन्होंने टोटली मार्जिनलाइज कर दिया है, सिवाय ईरान के अब कोई फलस्तीन के मसले को लेकर कुछ करता नहीं है, और ईरान से ज़्यादा डरते हैं अब मुल्क के इसराइल। एक सबसे बड़ा जो शिफ्ट आया है कि इसराइल इज इन, ईरान इज आउट, जहाँ तक मिडल ईस्ट मुल्कों का सवाल है। तो सबसे बड़ा पराया मुल्क अब ईरान बन गया है, और इसराइल इज नो मोर अ पराया इन द मिडल ईस्ट। तो इसराइल के सामने यूँ कहिए कि घुटना टेक चुके हैं अरब्स, तो घुटना टेक चुके हैं, अब टर्की भी लाइन पर आ रहा है। तो ये नेतन्याहू के इलेक्ट होने से कुछ फर्क नहीं आएगा, मुझे लगता कि इट विल कंटिन्यू एट द सेम पेस। बहरीन ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि उसके जो नॉर्मलाइजेशन स्टेप्स चल रहे हैं इसराइल के साथ, देर विल बी नो चेंज इन द इलेक्शन ऑफ नेतन्याहू। और इंडिया के साथ तो इट इज इंडिया प्रेफर्स नेतन्याहू टू दैट। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी दोनों राइट विंग पार्टी से आते हैं, उनके ताल्लुकात पहले से भी अच्छे हैं,
वो मशहूर सीन जो है कि बीच पे वॉक ले रहे थे ये दोनों टेल अवीव, सो दोज आर गुड रिलेशंस हैं नेतन्याहू के साथ इसराइल के. तो आई डोंट थिंक कि इट विल हैव एनी नेगेटिव फॉर द रिलेशनशिप विद इसराइल विल कंटिन्यू विद इंडिया इन द सेम वे. मैंने अभी अगले पिछले हफ्ते एक इंडियन एक्सपर्ट ऑन इंडियाज मिडल ईस्ट रिलेशंस, आराधना तलवार नाम के प्रोफेसर हैं इंडिया में, उनके साथ आई वेंट थ्रू द हिस्ट्री ऑफ हाउ इंडिया बिकेम फ्रॉम प्रो पैलेस्टाइन टू प्रो इसराइल कंट्री. और उनका कहना है कि द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट वॉज द कारगिल वॉर. देखिए गोल फिर के पाकिस्तान आ जाता है. तो कारगिल की जंग में जितना मदद इसराइल ने इंडिया का किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेट अप एम्युनिशन, कि सबसे ज्यादा हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पे जो लैंड हो रहे थे ड्यूरिंग कारगिल वॉर वेयर फ्रॉम इसराइल, तो इसराइल हैज प्रूव टू इंडिया के इट कैन बी ए गुड फ्रेंड इन क्राइसिस. ये बहुत अहम चीज है. दोस्ती तो अच्छे दिनों में सब साथ होते हैं, लेकिन क्राइसिस में जो मुल्क आपका साथ देता है that is a true friend and Israel has proven to be a true friend of India, khas tarah se kargil ke mamle mein. aur dusri india ka dekhen aap, one of the biggest problems india ke liye hai cross border terrorism, international terrorism, aur Israel ke liye bhi that is the same problem na, ke muslim mulk unko threaten karte hain Israel ko aur muslim terrorist group se wo pareshan hain. so it is but natural ke these two countries have come together for intelligence sharing, strategy sharing, techniques wagara. so india is learning a lot from them. lekin india ka israel ke sath taluqat na sirf military sector mein hai balki non military arena, khaas tarah se agricultural arena mein bhi kafi exchange of technology hai. aur agar aap dekhe I2U2 ko lekar to yahan pe bhi गिवन इसराइल के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, तो इंडिया भी अब इस फॉर्मिंग दिस नेटवर्क इसराइल के साथ. और एक चीज़ ये है कि अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी जो प्रो इंडिया लॉबी है और जो प्रो इसराइल लॉबी है उनके बीच में भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं. सो इट इज़ मल्टीपल लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है इन दो मुल्कों में, और नेतन्याहू के आने से इन पर कोई असर नेगेटिव नहीं होगा. नेतन्याहू के इलेक्शन से असर नेगेटिव सिर्फ अमेरिका के साथ होगा, वो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. तो अगर आप देखें पिछले 5-10 दिन में दो इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हुए, एक ब्राज़ील में जहां पर लूला ने हरा दिया बोल्सोनारो को और नेतन्याहू ने छुट्टी कर दी नफ्ताली बेनेट और वायर लपीद की. तो जब लूला became clear के Lula is winning, 40 minutes के अंदर Biden ने phone कर दिया Lula को कि मुबारकबादी दी, और उससे भी pressure पड़ गया Bolsonaro पर कि वो acknowledge कर ले कि वो हार गए. उन्होंने काफ़ी देर तक नहीं किया, लेकिन transition शुरू कर दी थी Bolsonaro to Lula. He started the transition without acknowledging defeat. लेकिन नेतन्याहू को 4-5 दिन तक बाइडन ने फोन नहीं किया, विच इज वेरी वेरी अनयूजुअल. बहुत ही क्लियर सिग्नल है फ्रॉम बाइडन के आई एम नॉट हैप्पी विद दिस इलेक्शन आउटकम, दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज. तो मुझे लगता है कि अनकरीब आप देखेंगे नेतन्याहू यहाँ आएंगे और बाइडन बेसिकली बाइडेन को डांटेंगे वगैरह. हो सकता है कि कांग्रेस में भी, इससे पहले उन्होंने ओबामा को भी झाड़ दिया था ज्वाइंट सेशन. सिर्फ अमेरिका में आप ऐसी हरकत कर सकते और सिर्फ इसराइल कर सकता है ये चीज़. क्या यार अमेरिका के प्रेसिडेंट को आप मुंह पर थप्पड़ मार कर चले जाए उसके पार्लियामेंट में, तो बाइडेन भी आएगा और 2-3 चटाक चटाक लगा के बाइडेन को लगा कर जाएंगे नेतन्याहू, देखना चंद महीनों के अंदर. बट द रीजन फॉर दैट इज क्रिटिकल, क्योंकि जो इलेक्शन का जो आउटकम हुआ है 64-60, जो इसराइल का कनेसेट है जो पार्लियामेंट है उसमें सिर्फ 120 सीट होते हैं, तो 64-56 का वो आंकड़ा बनता है. तो वो जो 64 है उसमें 14 सीटें तकरीबन एक एक्सट्रीम राइट विंग
इजरायली पार्टी की है जिसका नाम है, या तो आप उसको रिलीजियस ज़ायनिज्म कह सकते हैं या जूश पावर नाम की पार्टी है, और उसका जो जो लीडर है एतमार बेन कबीर, आई डोंट नो हाउ टू से जीवी आया, ये बहुत ही मतलब इससे पहले एविग्डोर लीबरमैन एकदम गुंडानुमा शख्स था जो मिनिस्टर भी बन गया था, ये उसका भी बाप है इतना, और ये ही इज़ अ ट्रबल मेकर, ये सेटलमेंट सेटलर्स की आइडियोलॉजी को पुश करता है, इधर लॉयर उनके साथ था, उसको सेटलर्स के पास से ज़्यादा वोट मिले हैं, और यही शख्स है जो अभी रिसेंटली जो इसराइल में फलस्तीनियों के साथ जो झगड़े हुए और गाजा में जंग इसने ट्रिगर करी थी मस्जिद अल अक्सा में जाकर, तो अब ये चाह रहा है कि वो पब्लिक सिक्योरिटी का मिनिस्टर बने, यानी मस्जिद अल अक्सा इसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाए सिक्योरिटी में। अगर वो होता है तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम इसराइल के अंदर विद द फलस्तीनियन पॉपुलेशन। हालांकि इसने एक आर्टिकल भी लिख दिया कि नहीं अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, आई बिकम मोर मॉडरेट, ये वो, ये रेडिकल्स का यही होता है ना कि दे ट्राई टू सडनली बिकम प्रेजेंटेबल, जब उनका स्टैचर बढ़ जाता है इंटरनेशनल तो दे ट्राई टू बिकम प्रेजेंटेबल ताकि उनको फिर अमेरिका भी बुलाए वगैरह। तो इट इज पॉसिबल, तो जो प्रो इसराइली थिंक टैंक है वॉशिंगटन में विनप कहकर वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी, तो उनका फेलो ने कहा कि ही नोज फ्रॉम द पाइपलाइन के बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन विल बॉयकॉट दिस गाय। तो अगर वो जो भी वो मिनिस्ट्री का इंचार्ज बनता है अमेरिका विल नॉट डील विथ हिम देयर, तो नेतन्याहू के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा, खासतौर से इफ दैट गाय डिमांड्स ए सीरियस मिनिस्ट्री। अगर वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाता तो फिर क्या करेंगे, विल यू डॉज हिम, राइट? आपको याद है अमेरिका के लिए सिमिलर प्रॉब्लम हो गया था जब लेबनीज गवर्नमेंट में हिजबुल्ला आ गई थी, तो फिर हाउ डू यू डील विद देम एंड से कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट है। तो मेरे ख्याल से वी आर एंटरिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग फेज, और अगर खास बाइडन हैज डिसाइडेड कि अगर वो 2024 में ही इज नॉट गोइंग टू रन देन ही इज नॉट गोइंग टू बी वेरी नाइस, मतलब वो उतने दबाव में नहीं है।